जुलाई महीने में जलक्रोध की ये तस्वीर है जो पुणे शहर के भीतर मचे कोहराम की गवाही बनकर सामने आई है। खतरे की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज सुन रहे हैं। जो बता रहा है कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। ये पुणे शहर का वो रिहायशी इलाका है जो रात भर की बारिश में समंदर बन गया और फिर लोगों को अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा। ये समझने की भूल तो कतई मत करिएगा कि पुणे शहर का कोई बेहद साधारण इलाका है। ये वो इलाका जहां 50 से 60 लाख रुपए से फ्लैट्स की कीमत शुरू होती है। मिसाल के तौर पर इस बिल्डिंग को देखिए जिस पर लिखा है रिवर व्यू रेजिडेंसी। दरअसल ये पुणे का वो इलाका है जहां घर की बालकनी से नदी का नजारा दिखाई देता है, लेकिन पॉश इलाके में रात भर की बारिश ने कैसे कदर मचाया है उसकी तस्वीर पूरा देश देख रहा है। मैं इस वक्त पुणे के सिंहगढ़ रोड इलाके के एकता नगर में हूं और मेरे पीछे ये जो इमारतें हैं उनमें कई सारे लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पर इतना सारा पानी है मेरे पीछे और काफी बड़े पैमाने पर पानी है और इस वजह से इन इमारतों का जो बेसमेंट है उन बेसमेंट में पानी आ चुका है। लोग फंसे हुए हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर जो टू व्हीलर्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनकी उनके हालात हम देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। कुछ भी अलर्ट नहीं दिया गया था। हर साल जो पानी छोड़ा जाता है नदी में तो अलर्ट दिया जाता है, इस बार ना कॉर्पोरेशन से अलर्ट आया था और ना ही पाटबंदर। हालात ये थे कि 500 से 600 लोग यहाँ फंसे हुए थे। रात भर से बिजली नहीं थी। देखिए कैसे रेस्क्यू बोट के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। जिस तरीके से ये बोट्स यहाँ पर जा रही हैं, बचाव कार्य एबीपी न्यूज ने जब ये न्यूज बताई, यहाँ का हालात बताए, उसके बाद यहाँ पर अब फायर डिपार्टमेंट बचाव कार्य उन्होंने शुरू किया है। कई सारे लोग यहाँ पर अभी भी अड़के हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। इसी तरीके से अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ पर बिल्कुल आगे आए नहीं, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो हलते हलते बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये पार्किंग में करीबन सारी की सारी गाड़ियां पानी के नीचे चली गई हैं, कई सारे लोग अड़के हुए हैं और करीबी जो डेक्कन परिसर है जहां पर शॉक लगने से करीबन 3 युवकों की मौत भी हुई है। आप दूध लेके आए हो अंदर बच्चों को देने के लिए? छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध की जरूरत है वहाँ पे। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि लाइट नहीं है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गए सबके। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें अंदर पूरा पानी गया हुआ है। पानी का स्तर कितना ज्यादा है ये सड़क पर डूबी हुई बाइक बता रही थी, जिसके सिर्फ हैंडल दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगह तो पानी इतना ज्यादा था जहां कार की सिर्फ छतें दिखाई दे रही थी।
पुणे की तमाम सोसाइटी के भीतर पार्किंग की तस्वीर देखिए जहां पानी घुस चुका था। बताया जा रहा है कि हर साल नदी से पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। लेकिन स्थानीय निवासी बताते हैं पिछले 20 साल में कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है उधर, तो मीटर तक पानी गया था उधर, मीटर तक, वो पूरा मीटर तक, मतलब लोग डरे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन आपने इससे पहले कभी देखी है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन इतनी नहीं थी। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हो? हमें 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए। दरअसल बुधवार रात को पुणे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और उसका नतीजा क्या हुआ है उसे अगली तस्वीर से समझिए। भगवान शिव को समर्पित ये पुणे का बेहद मशहूर ओंकारेश्वर मंदिर है जो जल्द समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। ओंकारेश्वर मंदिर पुणे में मुथा नदी के तट पर मौजूद है। पानी कितना है उसे इस बात से समझिए। पहली तस्वीर मंदिर के डूबने के बाद की है और दूसरी आम दिनों में ओंकारेश्वर मंदिर की। तस्वीरें बता रही हैं कि मंदिर के भीतर 4 फीट से ज्यादा पानी घुसा हुआ है। पुणे शहर के रास्तों का क्या हाल है उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर। पुल के ऊपर एक कार खड़ी है और पानी पुल को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। पानी जिस तरीके से उफान मार रहा है बहुत मुमकिन है पुल के निशान दिखना भी बंद हो जाएंगे। पुणे में बादलों से बरसी आफत के आगे पूरा सिस्टम पस्त दिखाई दे रहा था। कारें सड़क पर इस तरह से खिलौने की तरह बह रही थी। पुणे में जल क्रोध की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गुरुवार सुबह से दोपहर तक आई थी। जरा कल्पना कीजिए जब अभी ये हालात हैं तो आगे क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। वहाँ पर सभी लोग तैनात हैं, एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूरी तरह काम कर रहा है, आर्मी भी मूव हो रही है वहाँ पर रेस्क्यू के लिए, और वही ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जरा सोचिए महाराष्ट्र की स्मार्ट सिटी पुणे का हाल है जो एक रात की बारिश में बेहाल हो चुकी है। हाईटेक सिटी कहा जाने वाला पुणे अपने हाल पर हो रहा है। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये मध्य प्रदेश का कटनी है जहां घर जल समाधि में लीन दिखाई दे रहे हैं। घरों की छत सिर्फ ये बता रही है कि यहाँ कभी आशियाना था। गांव की इन सड़कों पर लोग चहलकदमी करते थे, बच्चे खेला करते थे, लेकिन पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ है। घरों के भीतर का मंजर देखिए, साइकिल से लेके अनाज तक मटमैले पानी की भेंट चढ़ा हुआ है। बेबस होकर लोग अपने घर की छतों पर मौजूद हैं और इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि मुसीबत अभी और कितना कहर बरपाएगी। कच्चा पक्का कोई भी घर पानी के आक्रमण से खुद को बचा नहीं पाया है। कटनी जिले में 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया है। सड़क पर कूलर और अलमारी रखी हुई है जिसे ये लोग बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए खून पसीने की कमाई से जोड़ा गया गृहस्थी का ये सामान जब आसमानी आफत में बर्बाद होता होगा तो एक गरीब पर क्या बीतती है।